दृष्टि सीयूईटी के टारगेट सीयूईटी करंट अफेयर्स के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का मुख्यालय स्थित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चीन। आपने से कई व्यवस्था इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए बस शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है दूसरी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह यानी ECSWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शन है गांधीनगर, नई दिल्ली, वाराणसी या फिर भोपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU के वर्तमान महासचिव कौन हैं। आपके ऑप्शन है डोरेन बोगडॉन मार्टिन, जैन स्टोल्टेनबर्ग, काओ किम हॉर्न या फिर इंगर एंडरसन। तो प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए डोरेन बोगडॉन मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है। आपके ऑप्शन है बिजली वितरण, LPG का वितरण, LED बल्ब का वितरण या फिर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी LPG का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह यानी TIWG ट्विक की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने खालिस्तान से वन वेब इंडिया मिशन के 36 उपग्रहों के साथ LVN3M3 उपग्रह लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है UR राव उपग्रह केंद्र, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र या फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 30 मार्च, 29 मार्च, 28 मार्च या फिर 27 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 27 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र ने भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, असम, गुजरात या फिर लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टीम ने 2023 महिला प्रीमियर लीग यानी WPL ट्रॉफी जीती है। आपके ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, गुजरात जॉइंट, दिल्ली कैपिटल्स या फिर UP वॉरियर्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड यानी POP निर्धारित है। आपके ऑप्शन है INS मंडोवी, INS चिल्का, INS हमला या फिर INS शिवाजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी INS चिल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी ILMT का उद्घाटन कहाँ किया गया था। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख या फिर पंजाब।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तराखंड। अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017 या फिर ऑप्शन डी 2018। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों उनके साथ नए नए जवाबों के। तब तक के लिए शुक्रिया।